पर्यावरण के संतुलन के लिए मुरैना एडीएम एस के मिश्रा जी ने पर्यावरण को सहेजने के लिए अनेक सालों से वृक्षारोपण करने का बीड़ा उठाया है। एडीएम एस के मिश्रा अपनी व्यस्त भरी दिनचर्या से समय निकालकर वृक्षारोपण का कार्य भी करते रहे हैं। एसडीएम एस के मिश्रा जी ने कई धार्मिक स्थल जो प्रशासकीय अधिपत्य के हैं उन पर कई हजार वृक्षों को लगाकर वृक्षारोपण का काम किया है। इस बार कोरोना काल में औषधीय पौधों की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए एडीएम एस के मिश्रा जी के द्वारा अपने घर की छत पर ही मीठे नीम के पौधे लगाकर हजारों पौधे तैयार कर उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री मिश्रा जी के द्वारा उनके घर पर एक मीठा नीम साहित्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आंचल के साहित्यकारों को मीठा नीम के गुण को बताने के लिए काव्य रचनाओं का पाठ करना था। इसी कड़ी में आंचल के एक दर्जन कवियों ने एडीएम एस के मिश्रा के निवास पर मीठा नीम की औषधियां विशेषता का अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से वाचन किया। मीठे नीम पर काव्य गोष्ठी में एडीएम एस के मिश्रा ने भी काव्य रचना का पाठ किया। उनके साथ ही अंचल के प्रसिद्ध कवि प्रहलाद भक्त, पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा, कवित्री ललिता दीक्षित, कवि राम अवतार शर्मा, श्रीमती संध्या सुरभि, दाताराम भगवती प्रसाद, कुलश्रेष्ठ नरेश श्रीवास्तव आदि कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं का पाठ किया। सभी कवियों के द्वारा मीठे नीम का काव्य पाठ करने के बाद सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर मीठे नीम के पौधे ले जाकर अपने अपने घर लगाने का वादा भी किया। आपको बता दें कि मुरैना एडीएम एस के मिश्रा जी ने अपने बंगले की छत पर मीठे नीम के पौधे तैयार कर वितरित करने का जो काम किया है उसे आमजन में काफी सराहना की जा रही है। यह काफी गोष्ठी का है और इस मीठा नीम काफी गोष्ठी में हमने अनुरोध पहले तो पूरा ही इसी पर बोलने को कहा था, एक तो काफी की भी हमें सम्मान करना है, तो काफी का भी सम्मान करना है और मीठे नीम का भी सम्मान करना है। और मीठे नीम की जो अभी एक भाव उत्पन्न हुआ अचानक ही आया, अब मीठा नीम जैसे खाया तो उसमें कोई मिठास नहीं लगी। वस्तुतः कड़वे चीज को हमने कड़वाहट खत्म करती उसी को हम मीठा कहने लगे। हम समाज की कड़वाहट खत्म करते भले ही चीनी जैसी मिठास ना हो तो भी मिठास है, क्योंकि चीनी जैसी मिठास भी नुकसान दे रही है, सबको डायबिटीज पैदा कर रही है। तो ये जो मीठे नीम की प्रतीकात्मकता है वो ये है कि हम समाज की जो कड़वाहट है, हम एक दूसरे के पास बैठ नहीं पा रहे, हम एक दूसरे की पत्तियां नहीं तोड़ पा रहे, हम एक दूसरे की थाली में से मठा नहीं पी पा रहे, हम एक दूसरे के घर में नहीं घुस पा रहे, तो वो कड़वाहट जब खत्म हो जाएगी और वो कड़वाहट खत्म करेगा ये पेड़ को, हम जब किसी के किचन तक पहुँचाएंगे तो वो किचन तक हमारा अधिकार हो जाएगा। जब हर घर में हमारा अधिकार हो जाएगा तो हम सब एक हो जाएंगे, न कोई जाति रहेगी, न कोई पंक्ति नहीं रहेगी, न भेद रहेगा। और कवि सम्मेलन भी ऐसा कवि सम्मेलन भी असफल हो जाता है जिसमें हमारी देखने नहीं आती, तो यहाँ खम्भे के रूप में जो पंडाल लगा है खम्भे के रूप में हमने बहनों को बैठा रखा है, तो दोनों खम्भे हमारे आज मजबूत हैं। बीच वाले जो पल्लड़ हैं ये काफ़ी देर तक चलते रहेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपनी बात करें, बहुत लंबा बात करने की भी बहुत जरूरत नहीं है, प्रदर्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने दो लाइन लिखी थी शर्मा जी को यदि समझे की है तो अधूरी है। काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था, बेसिकली क्या कंसेप्ट था इस काव्य गोष्ठी? देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर काफ़ी दिनों से सभी लोगों के चिंतन के आधार पर ये काव्य गोष्ठी अचानक हमने आयोजित की। हम सब लोग यहाँ थे, स्थानीय कवि थे, प्रहलाद जी थे, अशोक शर्मा जी थे, सुरभि जी थे। वस्तुतः पर्यावरण हमारा जन्म और वृक्ष देवो भव हमारी संस्कृति, कुल मिला के चंबल डिवीजन में पेड़ों की कुछ कमी है, अतः हमने कई वर्षों से हमारा तो जीवन ही इसमें गुजरता रहा है और कई वर्षों से विशेष कार्य किया है और इस वर्ष हम बहुत अधिक कार्य नहीं कर पाए थे, तो हमने लगभग 5,000 मीठे नीम के पेड़ों को जो औषधीय वृक्ष है और जो मसाला है और कई तरह के संबोधन इसको विशेषताएँ हैं का आयोजन था। हमें अचानक कवियों ने सहमत दे दी कि आज हम मीठे नीम पर ही 15 अगस्त के दिन बोलेंगे, ले जाएंगे पेड़ों को सब जगह लगाएंगे, तो इसका प्रचार प्रसार, इससे स्वास्थ्य आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य भी ठीक होता है, ये हमारा कंसेप्ट।